का रंगमंच पर आप सुन रहे हैं ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता। ख्यालों के हवालों से एक दास्तां सुनोगे तुम भी क्या, मुफलिस हर जज्बातों में किस रूह को छुआ है तुमने क्या। लाखों अरमान लेकर मुस्कान लेकर सीने में तूफान लेकर बढ़ता ही चला। कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझसे पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुचि से रिजेक्ट होने के बाद विदित को अपने दूसरे साइड के बारे में पता चलता है। अपना दुख कम करने के लिए वो कलम का सहारा लेता है और लिखने लगता है अपने हर जज्बात एक डायरी में। अपने लिखे राइटअप्स वो अपने कैफे में ही सुनाने लगता है और एक दिन उसे रेडियो में एज अ आरजे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब आगे ख्वातिनों हजरात, आप सुन रहे हैं शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन और मैं हूं आरजे विदित। और शो के अंत में जाते जाते एक छोटी सी शायरी आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। गौर करिए कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है वो बस ऊपर वाला जाने, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी तभी बरसों निभा गए, थी खामोशी फितरत हमारी तभी बरसों निभा गए, अगर हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और गौर फरमाइएगा, आखिर में कहना चाहता हूँ कि हम अच्छे थे पर लोगों की नजर में रहे बुरे, हम अच्छे थे पर लोगों की नजर में रहे बुरे, कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितने, तो सोचो कितने फसाद होते। क्या आपको भी यही लगता है कि आपका पार्टनर भी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और? ऐसे लोगों के मन को टटोलना थोड़ी इम्पॉसिबल बात होती है, पर मेरे दोस्त इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है। मुझे कॉल करके बताइए अपने दिल का हाल, पूछूंगा कुछ सवाल और दूंगा आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब। टिल देन टेक केयर एंड शबा खैर। ये क्या मम्मी की 23 मिस कॉल्स, इतनी रात को क्या हुआ होगा? हेलो माँ, सब ठीक है? इतनी रात गए कॉल? विदित देख ना, तेरे पापा को क्या हो गया है? क्या हुआ है पापा को? इन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा है, तू जल्दी आ जा बेटा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं आनंद फानंद में ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट भागा और जो भी पहली फ्लाइट मिली वो लेकर पापा से मिलने निकला। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, बस पापा ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। पूरी जिंदगी जिसको कुछ कर दिखाने की जद्दोजहद में मैं यहाँ से वहां भागता रहा, आज शायद ये देखने के लिए वो इंसान जिंदा ही ना बचे। आनंद फानंद में मैं हॉस्पिटल पहुंचा। सुधीर जी वहां बेसुध पड़े थे, शायद अपनी चंद सांसें उन्होंने मुझसे मिलने के लिए ही बचा के रखी थी। मम्मी ये क्या हो गया पापा को? बेटा देख ना, रात को कल खाना खाते हुए पापा तेरा शो सुनकर बहुत खुश थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो गिर पड़े। क्या मैं पापा से मिल सकता हूँ? बेटा वो तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। पापा? अरे विदित तू आ गया बेटा, मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था, आ बैठ। पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं ऐसे आपको नहीं रहने दूंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है विदित। वक्त को हराना आपने ही सिखाया है और इसे हराकर हम सब दिल्ली चले जाएंगे। बातें अच्छी करने लगा है, जिंदगी को मुझसे बेहतर समझने लगा है। मैं जानता हूँ तुझे अपने बाप से शिकायतें थी कि तेरी ख्वाहिशें क्यों पूरी नहीं की तेरे पापा ने, क्यों तुझे कभी गले नहीं लगाया तेरी छोटी बड़ी कामयाबी पे।
क्यों तेरे लड़खड़ाने पर तुझे संभाला नहीं, क्यों तुझे अपने से दूर रखा। आज जब ये बात सोचता हूं तो लगता है कि कितना असफल पिता हूं जो अपने बच्चे को पल भर के लिए सीने से भी नहीं लगा पाया। आज मेरी सक्सेस के सबसे बड़े सीक्रेट हैं आप। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपकी सीख और आपकी डांट ने मुझे खुद से लड़ना सिखाया, वरना मैं तो कब का हार मान चुका होता पापा। वो आपकी बातें ही तो थी जिसने हमेशा साथ दिया। पता है विदित, मैंने जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लिया। शायद इसी वजह से जिंदगी ने मुझे भी कुछ बड़ा नहीं दिया। पर मुझे इस बात का मलाल नहीं है बेटा। मुझे तेरी आंखों में मेरे अधूरे सपने दिखते हैं। तुझे हर दिन ऐसे बढ़ता देख दिल गर्व से भर जाता है। अब तुझे देख लिया है तो शायद अब चैन से मर पाऊं। प्लीज पापा ऐसा मत बोलो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है विदित, मैं चाहता था कि हमारे बीच कोई दीवार ना रहे, पर वो दीवार कब इतनी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आप दुनिया के बेस्ट पिता हो पापा। पापा, पापा, डॉक्टर। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे तड़का रंगमंच पर ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता।